नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट करना है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी स्किप करना है, नेक्स्ट करना है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए स्किप आ चुका है, मतलब हमारा जो ये FRP था 100% सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 110% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई। हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सोनी और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। सैमसंग का एक फ़ोन है J4, जो कि वो फ्रेंड वो FRP पे है। मैं आपको उसका FRP दिखा दूँ फ्रेंड्स। ये सैमसंग का J4 मॉडल है, मैं इसका मॉडल भी आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप करेंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये स्किप नहीं हो रहा है, मतलब ये फ़ोन हमारा FRP पे है। FRP पे है फ़ोन, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सैमसंग का एक मॉडल है। वीडियो को देर न करते हुए, क्योंकि आप इसे बाईपास करना चाहेंगे और बाईपास करते भी होंगे बहुत सारे लोग फ्रेंड्स, तो बाईपास करने के लिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप सेम मेथड यूज़ करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे और बार बार बहुत से लोगों के सेम मेथड सक्सेस हो जाते हैं और बहुत से लोगों के सेम मेथड फेल होते हैं। तो ये सैमसंग का थंबनेल ही बाईपास है, मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करूँगा। मैं कॉम्बिनेशन और फ्लैश फाइल के द्वारा इसकी पूरी आपको FRP रिमूव करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए इसका आपको मॉडल दिखा दूँ फ्रेंड्स फटाक से। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये J400FDS ये हमारा मॉडल है, J4 मॉडल है। हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी स्किप ना कीजिए, जिससे कि आपको इसकी FRP हटाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे हमने आपको दिखाई दिया सैमसंग का एक मॉडल है, जो कि वो FRP पे है। उसके लिए आपको फाइल चाहिए और आपको कॉम्बिनेशन फाइल चाहिए, उसका स्टॉक रूम चाहिए और इसकी कॉम्बिनेशन फाइल चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं इसका सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन फाइल दिखा देता हूँ। ये इसकी कॉम्बिनेशन फाइल है, जो कि हमने इसको स्टैक करके रखी हुई है, ये देख सकते हैं उसकी कॉम्बिनेशन फाइल है फ्रेंड। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। इस वीडियो को आप लास्ट देखेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो उसके लिए हमें ओडियन टूल चाहिए फ्रेंड्स, हमने ओडियन टूल को भी ओपन रखा है, जिससे कि आपको लेट ना हो और देखने में काफ़ी सारी आसानी हो। तो हमने ओडियन टूल भी खोल लिया है और इसमें हम जो हमारी कॉम्बिनेशन फाइल है, हम उस कॉम्बिनेशन फाइल को देंगे फ्रेंड। तो हमारी सिंगल फाइल है, तो हम AP में देंगे और AP में देने के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स। हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप में बाहर ही हमने फाइल को रखा हुआ है। ये हमारी कॉम्बिनेशन फाइल है, एक ही फाइल है, तो हम इसे AP में देंगे। थोड़ी सी लोड होगी, अब जैसे ही लोड हो रही है फ्रेंड, तो हम इसको तब से इसको फ़ोन को कनेक्ट कर देते हैं। डाउनलोड मोड पर फ़ोन को कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर को साइड में भी खोल के रखना है, जिससे कि आपका ड्राइवर डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। तो डाउनलोड मोड लाने के लिए वॉल्यूम डाउन, होम बटन और पावर की को आपको एक साथ प्रेस करना है और फ़ोन हमारा डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको पता ही है फ्रेंड्स कि डाउनलोड मोड क्या होता है, सारी चीज़ें वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता ही है। तो जब तक हमारी फाइल लोड हो रही है, तब तक मैं फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ। फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा हमने सक्सेसफुली फाइल को डाला और फाइल को डालते ही हमारा जो कॉम्बिनेशन फाइल था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा फ्लैश हो रहा है सारी चीज़ें, जैसा कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनती फ्रेंड्स। आपने देखा हमने फाइलों को कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड किया और कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमने तीन तेरे टूल लिया, ओडिन का वर्जन लिया और उसको हमने फाइल को AP में दिया, क्योंकि सिंगल फाइल थी। और हमने सिंगल फाइल देने के बाद फ्रेंड्स, हमने उसको जैसे ही दे दिया तो सारी चीज़ें आपके सामने चल रही है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो ये देखिए, जो आप सेम मेथड से परेशान होंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा बार बार, आप अगर सेम मेथड से परेशान हैं और आपका सेम मेथड काम नहीं कर रहा, तो ये बाईपास ट्रिक, कोई भी टूल यूज़ नहीं हो रहा है फ्रेंड, मैं बता दूँ, कोई भी डोंगल यूज़ नहीं हो रहा है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। और आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर भी खुला हुआ है और हमारा ड्राइवर भी डिटेक है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए सैमसंग मोबाइल USB ड्राइवर, ये तब डिटेक होगा जब आपके मोबाइल, जब आपके PC में ड्राइवर होंगे, और जाहिर सी बात है ड्राइवर होंगे ही होंगे। तो चलिए वीडियो को इसीलिए देर ना करते हुए आपको सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। जैसे ही फ़ोन हमारा रिबूट होगा तो फ़ोन हमारा फैक्ट्री मोड में चला जाएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा फैक्ट्री मोड में चला जाएगा। और फैक्ट्री मोड में जाने के बाद हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तब फ़ोन हमारा रिबूट होगा, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबूट जैसे हुआ, हमने फ़ोन को अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड फैक्ट्री बैटरी में हमारा फ़ोन 100% सक्सेस चला गया है। जैसा कि देख रहे हैं डाटा केबल में फ़ोन हमारा लगा ही हुआ है और ये देख सकते हैं फ़ोन फैक्ट्री बैटरी रिसेट में चला गया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने 2 मिनट 1 मिनट रुका, मैंने पास जैसे ही पास हुआ 1 मिनट का समय लिया फ्रेंड्स, 1 मिनट से ऊपर समय नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फैक्ट्री बैनरी में चला गया फ्रेंड। अब सिंपली ये देखिए हमारा ये कॉम्बिनेशन फाइल चढ़ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए बाईपास हमेशा फ़ोन लेते आ रहा हूँ, बाईपास सोल्यूशन ले करके आ रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार सेम मेथड आपका फेल हो रहा है, तो बिना डोंगल के आप यहाँ पे FRP हटा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसे सीधे हमें फ्लैश करना है, अब इसकी फ्लैश फाइल से हमें फ्लैश कर देना है और इसकी FRP रिमूव हो जाएगी फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। इसीलिए हम आपको हर एक बार सारी चीज़ें करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो बस अभी सिंपली अब इसको आपको फ्लैश कर देना है और इसकी FRP रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा कि हमारा सक्सेसफुली कॉम्बिनेशन फ्लैश हो चुका है फ्रेंड, तो मतलब मेरी 80-90%, हम 90% ले सकते हैं, हमारी FRP कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसे पहले की तरह हमें फ्लैश करना है, मतलब पहले की तरह हमें कस्टम मतलब फैक्ट्री बैनरी की तरह तो फ़ोन देना नहीं है। तो बात न करते हुए मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी उसकी फ्लैश फाइल है जिसमें मैं इसको फ्लैश करूँगा, और फ्लैश करने के बाद ये जैसे पहले था इसकी FRP रिमूव हो जाएगी फ्रेंड। तो देर न करते हुए फिर बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें BL की फाइल देंगे, और तो देखिए इसमें ये वही है J4, मैं आपको दिखा दूँ फाइल हमारी यही है J4। अब हमें इसमें BL हमने सेलेक्ट किया था, तो हमने BL की फाइल दे देंगे। फिर उसके बाद इसमें हम CP की फाइल देंगे फ्रेंड्स, और इसके बाद हम देंगे CSC। तो CSC हमें पहले नॉर्मल देना है, CSC हमने दे दिया फ्रेंड्स। अब उसके बाद आपको AP की फाइल देनी है, जो कि सिस्टम की मेन फाइल होती है, ये आपको दे देनी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस दौरान मैं डिवाइस मैनेजर साइड में खोल लेता हूँ फ्रेंड्स, और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ। अब फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको पता ही है, ये डाउनलोड मोड पर हमारा फ़ोन वर्क करेगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर दूंगा, आपको ड्राइवर दिखा करके मैं इसको स्किप कर दूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है, फ़ोन ब्लिंक हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मॉडेम बन गया है। तो मैं बस थोड़ी सी वीडियो को स्किप करता हूँ, जब तक हमारी AP की सिस्टम की फ़ाइल उसमें ऐड हो जाती है, बस हमें स्टार्ट बटन को दबाना है और फाइनली देखना है कि हमारी FRP रिमूव हुई कि नहीं हुई। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लास्ट तक दिखाऊंगा कि यह मेथड हमारा काम करता है कि नहीं करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल लोड हो गई, मैंने बस थोड़ा सा रोका था, तब तक कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें देखिए पोर्ट भी बना लिया है, हमारा सारी चीज़ ओके है, बस मुझे स्टार्ट बटन पे दबाना है। तो बस मैंने स्टार्ट बटन पे दबा दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया है यहाँ पर। हमारी जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारी चीज़ें करके दिखाई है। यहाँ पे हमारा ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, फ्लैशिंग मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। जब हमने कॉम्बिनेशन चढ़ाया, जब हमने फ्लैश फाइल चढ़ा रहे, कोई भी एरर नहीं आया फ्रेंड्स। तो आई होप ये बाईपास मेथड, हमने कोई भी डोंगल्स यूज़ नहीं किए हैं, हमने ओडिन टूल यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये आप भी कर सकते हैं, ये बाईपास का सबसे बेस्ट मेथड है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिसमें आप इसकी फाइल डाउनलोड कर लेंगे और इसके आप बहुत ही आसान तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन डाउनलोड करिए, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करिए, बस सिंपली आप जैसा हमने दिखाया आपको सारी चीज़ें आप वैसा कर दीजिए, 110% आपका FRP बाईपास हो जाएगा। इसीलिए मैंने टैग डाला था, टाइटल डाला था सैमसंग J4 बाईपास। तो ये बाईपास ही है फ्रेंड्स, और जिन भाई लोगों को लगता होगा कि नहीं बड़ी बाईपास नहीं है, पर आपके बाईपास से बहुत ही इजी मेथड है। क्यों मेथड है मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके बाईपास से थोड़ा ज़्यादा मेथड है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, ये आपका सेम मेथड मैं कहता हूँ 60% लोगों का सक्सेस होता होगा, पर 40% लोग बहुत ही परेशान होते होंगे बाईपास करने के लिए, क्योंकि सेम मेथड को टाइमिंग मैच नहीं खाती है, और इसकी वजह से हमारा सेम मेथड भी बाईपास नहीं जा पाता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, इसमें कोई भी कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉम्बिनेशन डालना है, फिर आपको सीधे सिंपली फ्लैश फाइल से फ्लैश कर देना है और आपका 110% सोल्यूशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं अगर आपको वीडियो लंबी हो रही होगी तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी वेट करूँगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा, जो कि सिस्टम की फाइल बड़ी फाइल होती है, ये राइड होने में टाइम लगेगी। बस बस जैसे ही हो जाएगा मैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि हमारा 110% सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स हमारे सिस्टम की फाइल चढ़ गई है, अब यहाँ पे यूज़र डाटा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी
कैश और हिडन भी जाएगा सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करें कि अब आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा और ये बाईपास आपने किया तो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तुरंत मैं अपने स्क्रीन पर आऊँगा और आपको वो फ़ोन दिखाऊँगा, क्योंकि मैं जैसे ही फ़ोन होता है तो मैं बिना डाटा केबल को हटाए मॉडर्न फाइल जा रही है और हमारी सक्सेसफुली बस कंप्लीट होने वाली है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है फ्रेंड्स। तो अगर बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए, रिसेट हो चुका है, मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा वो फ़ोन पहले ऑन हो रहा था, फैक्ट्री मोड पे हो जा रहा था फैक्ट्री में, पर ये देखिए हमारा फ़ोन अब नॉर्मल हो रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ, डाटा केबल फिर से लगा हुआ है फ्रेंड्स। मैं डाटा केबल, ये वही फ़ोन है जो कि आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा सैमसंग में बूटिंग में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे रिस्टार्ट हुआ, मैंने वहाँ पे वीडियो को रोका और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स सारी चीज़ें, अभी भी कंप्लीट प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लगेगा, मैं इसको दिखाऊंगा आपको, लास्ट तक दिखेगा कि ये हमारा 110% सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। ये वही सेट है जो कि हमने आपको दिखाया था फ्रेंड्स, जो J4 FRP बाईपास फोन। तो चलिए ठीक है, अभी डाटा कल से लगा ही हुआ है, बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और देखते हैं एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हमारा सेकंड बूट पे स्टार्ट हो चुका है फ़ोन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़े लास्ट तक दिखाऊंगा कि ये हमारा एक्चुअल में FRP हटा के नहीं हटा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, मैंने अभी तक डाटा केबल नहीं हटाया, पर डाटा केबल से कोई मैटर नहीं है, आप डाटा केबल हटा सकते हो। मैं डाटा केबल इसलिए नहीं हटाता फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें पता चले। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप 110% इसके FRP हट चुकी है, मैं श्योर हूँ, और सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आई एग्री करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे भी स्किप करना है, नेक्स्ट करना है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए स्किप आ चुका है, मतलब हमारा जो ये FRP था 100% सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 110% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसमें कोई भी डाउनग्रेड फाइल नहीं चढ़ी है, इसमें जो भी इसका वर्जन था, लेटेस्ट वर्जन था, मैंने वही फाइल चढ़ाई है, और इसकी FRP देख सकते हैं आप ऑलरेडी हट चुकी है। नॉट नाउ करेंगे, स्किप एनी वे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे और भी कई सारे वीडियोस हैं, आप उसमें जाइए वीडियो में, और बहुत सारे कंटेंट डले रहते हैं, आप उसमें देखिए, वॉच करिए, आपको बहुत ही समझ में आने वाली है। टेक्निकल लाइन के फील्ड में आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ, तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको हमेशा नए नए वीडियो, नए नए ट्रिक्स और नए नए ऐप, नए नए टूल्स आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसा देखते हैं, आई होप हमारा ये 100% सक्सेस हो चुका है, जैसा कि मैं हमेशा की तरह ये दिखाता हूँ। तो आई होप ये देखिए हमारा फ़ोन 100% सॉल्व हो चुका है। तो ये वही फ़ोन है जो कि हमने आपको दिखाया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।